संकल्प योजना के तहत हर साल की तरह इस बार भी राज्य भर में बेहतर सेहत सुविधाएं देने वाले सरकारी अस्पताल की खोज की जा रही है, जिसके चलते केंद्रीय टीम द्वारा राज्य भर के सरकारी अस्पतालों के निरीक्षण किया जा रहा है। और इसी के चलते आज कायाकल्प योजना की टीम ने पठानकोट सिविल अस्पताल का दौरा किया और अस्पताल के रिकॉर्ड को खंगाला गया। इस मौके पर टीम ने अस्पताल का राउंड कर सुविधाओं की भी जांच की। इस संबंधी जानकारी देते हुए अस्पताल प्रशासन ने कहा कि कायाकल्प योजना के तहत आज टीम द्वारा पठानकोट का दौरा किया गया है, जिनके द्वारा अस्पताल के रिकॉर्ड और सुविधाओं की जांच की जा रही है। तो टीम आई है जिन्होंने कि साढ़े वक्रे वक्रे जो पॉइंट्स होंगे 350 पॉइंट्स देखने हैं, रिकॉर्ड चेक करना है और जोड़ी वर्किंग है वो सारी चेक करनी है। पिछले 4 सालों तो असी हमेशा ही पंजाब दे विच कोई ना कोई रैंक से फर्स्ट या सैकेंड आ रहे हैं, 2 बारी फर्स्ट आ चुके हैं, 2 बारी रनर्स अप, और काफ़ी असी मेहनत की है, शुरू तो कर रहे हैं और सानू उम्मीद है भी इस बार भी साडा काफ़ी अच्छा जाएगा। इनामी राशि की रखी है उन्होंने? वैसे तो इनामी राशि जी होंगी 50 लाख होंगी है, पर उस सरकार उत्ते डिपेंड करता, कई बार वो चेंज भी कर देंगे, कई बार 25 लाख कर देंगे जी फर्स्ट होंगी, सैकेंड 15 लाख और थर्ड 10 लाख दे देंगे। दूसरी तरफ जब इस संबंधी आई हुई टीम के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि कायाकल्प योजना तहत आज उनके द्वारा जिला अस्पताल का निरीक्षण किया जा रहा है और पठानकोट जिला अस्पताल का रिकॉर्ड अब तक बहुत अच्छा रहा है, इसलिए उम्मीद करते हैं कि इस बार पहले से बेहतर हो। हाले तो असं रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं, जिमें कि हर साल कायाकल्प की असैसमेंट होंगी है, इस साल भी पठानकोट सिविल हॉस्पिटल की अब फाइनल असैसमेंट है कायाकल्प की, ये असी लास्ट ईयर का रिकॉर्ड चैक कर रहे हैं, तो उस तो बाद असी राउंड करके फिर टैली करा क्रॉस मैच करके कि हॉस्पिटल पिछले साल नालों की चेंजेस हो रहे, बट पठानकोट हॉस्पिटल की रेपूटेशन पहले भी अच्छी रही है, होपफुली इस साल भी अच्छी रहेगी। वैक्सी सर पिछले 4 सालों तो जो लगातार दबदबा बनया हुआ पठानकोट हॉस्पिटल का, लगता है कि इस बार भी नंबर 1 पे गाड़ी मार सकते हैं? देखो होप तो है, बाकी देख के पता लगेगा, ग्राउंड करने वाले बाकी है, उस तो बात करते हैं। थैंक यू सर। पठानकोट से अजय कुमार और लक्ष्मण हजन की रिपोर्ट।